दोस्तों सलमान खान को बॉलीवुड में एंट्री करने वाले न्यू कॉमर्स का गॉडफादर कहा जाता है। सलमान जरीन खान, सूरज पंचौरी, आयुष शर्मा, आर्थिया जैसे कई सितारों को लॉन्च कर चुके हैं। और अब खबर आ रही है कि सलमान अपने खास दोस्त मोहनीश बहर की बेटी प्रिया नूतन को अगली फिल्म से लॉन्च करने जा रहे हैं। खबरों की माने तो सलमान खान अपने करीबी दोस्त मोहनीश बहर की बेटी प्रिया नूतन को निर्देशक नितिन कक्कड़ की आने वाली फिल्म से लॉन्च करने वाले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी इस फिल्म की शूटिंग आने वाले सितंबर महीने में शुरू होगी। दिखने में बेहद ही खूबसूरत नजर आने वाली प्रिया नूतन पहली फिल्मों की रंगीन दुनिया में कदम रखने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। आज से कुछ वक्त पहले प्रिया नूतन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों के बीच काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थी। उनकी तस्वीर में उनका चेहरा उनकी दादी नूतन से काफी मिलता जुलता दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि मोहनीश बहर की तरह उनकी बेटी प्रिया नूतन भी लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद किया करती हैं। प्रिया नूतन दिखने में जितना ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं, वे असल जिंदगी में उतनी ही ज्यादा सिंपल हैं। आने वाले वक्त में देखना यह होगा कि प्रिया नूतन बॉलीवुड की इस रंगीन दुनिया में कदम रखने के बाद लोगों के बीच अपनी अलग पहचान कायम कर पाती हैं या नहीं। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 90 के दशक में मोहनीश बहर ने पर्दे पर आई कई सारी सुपरहिट फिल्मों में अपने दमदार अभिनय का प्रदर्शन किया था। बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में लोगों के बीच अपनी एक पहचान कायम कर लेने के बाद मोहनीश बहर ने वर्ष 1992 में अभिनेत्री एकता सोहनी के साथ शादी रचा ली थी। शादी के बाद उनकी दो बेटियां हुई जिनका नाम प्रिया नूतन और कृष्णा है।